आदिल, राजस्थान की मैं बात करूं चाहे एमपी की भी मैं बात कर लूं, यहां पर आप लगातार, आपको लग नहीं रहा कि अपने ही सहयोगियों की आप मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी तमाम दाव पेच यहां पर खेल रही है किसी भी तरह से सरकार को बनाना हो या बचाना हो, और उस बीच आपकी एंट्री आपके ही सहयोगी की मुश्किलें नहीं बढ़ाएगी क्या? देखिए, जिसे आप दांव पेच कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो घबराहट और डर है, और ये देश की जनता, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहां की जनता भली भांति समझती है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने गुजरात में किया, 2017 के दिल्ली के एमसीडी में सेम प्रयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी का इस अभियान को मैं दूसरा नाम देता हूं, इस अभियान का नाम है लूटो और भागो। पहले तो जिसको 5 साल का टाइम देते हैं वो देश की जनता को लूटती है, अपने विधानसभा क्षेत्र को लूटती है, अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र को लूटती है, उसके बाद जब उसका घर भर जाता है तो कोई जवाबदेही नहीं। ऊपर से जैसा अभी राजीव भाई कह रहे थे कि अमित शाह और मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, तो ऊपर से एक आदेश आ जाता है, अपनी सीट छोड़कर चले जाता है, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो जाकर जनता के बीच में कहते हैं कि भैया मुझे तो जबरदस्ती भेजा गया है, मेरा तो चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता था, मुझे तो ग्राउंड पर उतार दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियों से बचने का काम करती है, जनता को लूटने का काम करती है और भागने का काम करती है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हम बार बार कहते हैं कि हमारा गठबंधन नेशनल लेवल का हुआ है, लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। आज दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐतिहासिक काम किया है, वो पूरे देश की जनता उस काम को अपने अपने प्रदेश में लाना चाहती है, नजरें गड़ाए हुए देख रही है। एक बात और कह दूं पूजा जी, अभी बार बार ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, वो काम किया, ये वादे किए। देखिए, इस देश की जनता, एक एक जनता जानती है कि गारंटी मैन का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, उन्होंने कहा हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में डंका अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का बज रहा है। उन्होंने कहा हम 24 घंटे फ्री और मुफ्त बिजली देंगे, आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर फ्री और मुफ्त बिजली मिलती है। उन्होंने कहा हम फ्री पानी देंगे, आज फ्री पानी मिलता है। उन्होंने कहा महिलाओं को बस यात्रा देंगे, आज महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो ये सारे काम जो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो जाता है। दिल्ली के अंदर महंगाई राजस्थान में उतरने वाली है, राजस्थान एमपी में अकेले उतरने वाली है या कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा वहां पर किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, हम जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं नहीं ले जाने का काम कर रहे हैं, हम भी तो मान रहे हैं, और देश की 140 करोड़ जनता मान रही है कि आपने महंगाई में सबसे आगे ले जाकर देश को खड़ा कर दिया, बेरोजगारी में सबसे आगे देश को ले जाकर खड़ा कर दिया, महिला उत्पीड़न का आलम यह है कि आपके अपने सांसद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। दिल्ली पुलिस कोर्ट के अंदर चार्जशीट देकर ही कहती कि आपके सांसद बिजभूषण शरण सिंह महिलाओं के साथ जब भी मौका मिलता था छेड़छाड़ करते थे, और जानबूझकर छेड़छाड़ करते थे, उनके खिलाफ सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसके बाद भी आपके जबान पर ताला लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर महिला उत्पीड़न में भी आप इस देश को आगे लेकर गए हैं, देश बेचने में भी आप इस देश को आगे लेकर गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब कुछ अपने पूंजीपति में।